टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुंब्रा के तनवर नगर पर और आपको बता दें कि तनवर नगर के इलाके पे जो पुराना पेट्रोल पंप है उसके जस्ट बाजू में जो ये फुटपाथ आप देख रहे हैं, दरअसल ये फुटपाथ का जो है सुंदरीकरण जो है यहाँ के NCP के जो कार्यकर्ता हैं यूनुस शेख और उनकी बेटी सहर शेख ने जो है इसका निर्माण कराया है। ये फुटपाथ जो है यहाँ पर अभी जल्द ही बनाया गया है। आपको बता दें कि अभी भी इसका काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है और दरअसल आपको बता दें इसको बनाने को लेकर जो है यहाँ पर अब विवाद जो है शुरू हो गया है। ये आप जो नाला देख रहे हैं इस नाले के ऊपर जो है यहाँ पर जो है इसका भी काम चालू किया गया है। यहाँ पर जो है इस नाले को ढका जा रहा है। दरअसल यूनुस शेख ने बताया कि ये सुंदरीकरण किया जाएगा ताकि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं और भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर बैठ सके और टहल घूम सके। लेकिन यहाँ पर विवाद इसलिए शुरू हो गया कि यहाँ पर एक शेड लगाने का जो है काम शुरू किया गया था। ये शेड जब से ही लगाने का काम शुरू किया गया उसके बाद से ही यूनुस शेख ने बताया कि उन्हें फ़ोन आना शुरू हो गया कि यहाँ पर गाले बनाए जाएंगे और उनका ऐसा कहना है कि लोग उन्हें कॉल करने लगे कि उन्हें गाले दिए जाएं यहाँ पर। लेकिन यूनुस शेख ने इस बात से इनकार किया है कि यहाँ पर गाले बनाए जाएंगे। उनका कहना है कि ये जो है यहाँ तनवर नगर इलाके के लोगों के लिए जो है काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है यहाँ पर और यहाँ पर जो है सुंदरीकरण किया जा रहा है इसका ताकि यहाँ पर लोग आकर बैठ सके, घूम टहल सके। ये फुटपाथ जो है यहाँ इसका सुंदरीकरण इसका किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से गाले बनाने को लेकर शहर में एक अफवाह फैली उसके बाद यूनुस शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही उन्होंने बताया कि बाजू में ही पुराना पेट्रोल पम्प जो है यहाँ पर जो है एक स्ट्रक्चर का काम चालू होने वाला है। लेकिन उन्होंने भी एतराज़ जताया है इसको लेकर कि आप लोग यहाँ पर इसको ना बढ़ाएं। लेकिन यूनुस शेख का कहना है कि यहाँ पर ये काम होगा क्योंकि उन्हें इलाके के लोगों का काफ़ी समर्थन है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही इस तरह की स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पर लगवाई है। इसके अलावा जो ये आप फुटपाथ देख रहे हैं फुटपाथ पर भी इस तरह की ये लाइटिंग यहाँ पर लगवाई गई है। और गाले बनने को लेकर जिस तरह से यहाँ पर अफवाह फैली जब से ये शेड लगाया गया और इस पूरे मामले पर आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूनुस शेख ने क्या कुछ जानकारी दी है इस मामले पर। यूनुस भाई आज यहाँ पर पत्रकार परिषद बुलाई गई है, दरअसल क्या मामला है इसलिए बुलाया गया? वो जो हर शय पे कादिर है और जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से। आज ये पत्रकार परिषद बुलाने की वजह ये है कि आज ये तनवर नगर परिसर के अंदर बहुत सारे काम हो रहे, अच्छे काम हो रहे, फुटपाथ बन रहा है, गटर नाले की सफाई से लेके लाइट के पोल से लेके ब्रेकर से लेके सारी चीज़ों के काम बेहतरीन तरीके से हो रहे हैं, जिसमें हमें हमारे पार्टी के लोगों की मदद, खासकर डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब की बहुत ही सपोर्ट रहा है इसके अंदर और उनकी निधि से सारे काम हम कर रहे हैं। आज आप ये फुटपाथ देख सकते, ये एक एक चीज़ ये फुटपाथ के अंदर बिल्कुल दिल से मैं, मेरी बेटी, मेरी टीम के लोग, यहाँ इलाके के लोग, हम लोग सब मिलकर चॉइस किए। आप इसके साइड स्टोन देख सकते हैं, पूरे मुंब्रा कौसा थाना में कहीं नहीं लगे हुए जिसके अंदर लाइट है। आप इलेक्ट्रिक पोल देख सकते हो, यहाँ डिफरेंट कलर है। आप फुटपाथ का टाइल देख सकते हो, डिफरेंट है। ये अभी यहाँ पर एक्रिलिक शेड आ रहा है। बैक साइड में हम लोग जो है वो सीनियर सिटीजन्स की बैठक बना रहे, तो कुछ लोगों को ये चीज़ें हजम नहीं हो पा रही। अब अल्लाह उनको समझ दे कि अगर मुमरा अगर सुधर रहा है, कुछ अच्छे काम हो रहे हैं तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको अटकाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे अनगिनत काम हमने पिछले एक साल के अंदर कर दिए, चाहे वो अमीनाबाद के पानी का मसला हो, वहाँ पर पानी शुरू कर दिया, कोकर मेडिकल के साइड में जितनी 5-10 बिल्डिंग है उनको पानी शुरू कर दिया, स्पीड ब्रेकर से लेके लाइट के पोल से लेके सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्पीड में और अच्छे तरीके से हुए, जिसमें मुझे इलाकों के लोगों का भी सपोर्ट रहा। यहाँ से हॉकर्स हटाना मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी, यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने मुझे लेटर्स दिए, मेरे साथ शाना बा शाना खड़े हुए, तब जाके मैंने ये काम किया। मगर आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अच्छे काम को लोग आज अटकाना चाह रहे हैं।
तो आपके माध्यम से मैंने बड़ी कोशिश किया लोगों तक पहुंचूं, जो इसमें इन्वॉल्व है कुछ लोग मना कर रहे, तो ऐसा मुझे कोई सपोर्ट मिल नहीं पाया। तो मैं आप लोगों के माध्यम से जो गलत मैसेजेस चल रहे वो उन लोगों तक क्लियर करना चाहता हूँ और लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई। क्या गलत मैसेजेस क्या है, किसको लेकर विवाद है, ये क्यों रोका जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, एक्चुअल में यहाँ क्या बनने वाला है? यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन हो रहा है फुटपाथ का और सीनियर सिटीजन्स की सीटिंग बन रही है। सर क्लेम तो ये भी लगा है कि यहाँ पर गाले बनने वाले हैं। यह बिल्कुल गलत बात है, ये क्लेम जानबूझ के लगाया जा रहा है ताकि इस अच्छे काम को रोका जाए। मैं ये अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर रख के आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं हयात हूँ यहाँ पर न गाले बनेंगे न कुछ होगा। जिस तरीके से मैं ब्यूटिफिकेशन का काम किया हूँ वो हमेशा उसी तरीके से रहेगा। अगर हमें यही काम करना होता तो हम इलेक्शन में क्यों खड़े होते? अगर हमें इसी तरीके से गाले बना के बेचना किसी भी गटर की जगह पे और किसी भी जगह पे, तो हम इतने बेहतरीन काम क्यों करते? अपने घर में नहीं सोते गाले बना के? पूरी जगह पे ही जो अपना बनाया जाएगा, पूरी जगह पे, पूरी जगह पे बनाया जाएगा, लोगों को चलने के लिए ये जगह बनाई जाएगी। और जहाँ तक गाले का सवाल है तो फिर से मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम लोगों को ये गुजारिश करता हूँ कि इस तरीके का कोई भी प्रोपोगंडा पे आप ध्यान ना दें। हाँ, मुझे भी कई फ़ोन आए गाले के लिए कि यूनुस भाई वहाँ गाले बन रहे, मैं आपको नंबर दूंगा ऐसे लोगों के, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। उन्होंने मुझे बोला यूनुस भाई मुझे भी एक गाला चाहिए, यूनुस भाई मुझे भी एक गाला चाहिए। मैंने बोला भाई ऐसे गाले वगैरह कुछ नहीं बन रहे। जब तक मामला छोटा था, आज मुझे पता चला कि मेरे विरोधी इस मसले को, गाले वाले मसले को बढ़ा करके इस काम को रुकाना चाह रहे। तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना कोई गाले बन रहे हैं और ना फ्यूचर में कोई गाले बनेंगे और ना मैं किसी को बनाने दूंगा इंशाल्लाह। बाजू वाली जो जगह है उसको भी लोग इसको लेके एतराज़ कर रहे हैं। बाजू वालों की जगह का ऐसा मसला है कि देखिए ये जगह ढोंगरी फैमिली से बिलोंग करती है और जिनके साथ में हमारा बचपना गुजरा है और हम उनके साथ में ही बड़े छोटे सब साथ में हुए, और फरीद डोंगरे साहब है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे वालिद के दोस्त हैं चाचा जैसे। तो उनके बोलने पे एक दीवार बनाई गई थी, उनके बोलने पे हमने वो दीवार भी गिरवा दी, फिर हमने ये एंगल से ये काम शुरू किया। तो शायद उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कल उनका कंस्ट्रक्शन इसकी वजह से जो है वो कमर्शियल आएगा, उनको प्रॉब्लम होगा। तो ये भी मैं उनको वादा करता हूँ, यह सोसाइटी के सारे लोग बैठे हुए हैं कि उनके कमर्शियल को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी उनका काम शुरू होगा आराम से वो इस शेड को खोले, हमारा किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और अपना काम करें और इससे बेहतर कुछ अच्छा हमको बना के दे, ये मेरा वादा रहा। क्योंकि हमारे बीच में जो इसके बिल्डर्स हैं, जो लोग हैं, शायद उनको मिसगाइड किया जा रहा है कि ये कभी नहीं हटेगा। ये एंगल की चीज़ें हैं और टेम्प्ररी बेस पर इसको मैं तैयार कर रहा हूँ। जब लोगों को उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी उनकी बिल्डिंग की तब बोलेंगे, अभी तो उनका बिल्कुल काम कुछ भी शुरू नहीं है। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि आप ये मुझे बनाने दो, एक खूबसूरती की चीज़ एरिया में बन रही है, जब आपको ज़रूरत होगी आप उसको हटा लेना और उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। कौन लोग हैं जो इस तरह की अफवाह उड़ा रहे गाले को लेकर? अब ये सारे विरोधी लोग हैं जो चाहते नहीं है, जिनके पेट में दुख रहा है, अच्छा काम नहीं होना चाहिए। आज आप देखो ये हॉकर्स यहाँ से क्लीन हुए हैं, तमाम लोग खुश है, दुख वो दुखी वही है जिसकी रोटी रोजी यहाँ पे, जिसके पेट चलते थे। कोई गरीब गुरबा नहीं थे, गाड़ियाँ लगाने वाले लोग थे, वो घर में बैठे थे, उनका भाड़ा खाते थे, उनको तकलीफ हुई। इसी तरीके से ये लोग हैं जो मेरा अच्छा काम देख के लोग आज इस तरीके से हमारे फेवर में आके हमारे साथ खड़े, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा, इसके लिए इस तरीके की अफवाह उड़ा रहे। मैं हाथ जोड़ के उन लोगों से विनंती करना चाहता हूँ कि इस तरीके की अफवाह ना उड़ाए और एक इलाके में अच्छा काम हो रहा है वो अच्छे काम को होने दे, मुमरा को सुधरने दे, मेरी ये रिक्वेस्ट है उन लोगों को। लोग का ऐसा कहना है कि पहले तो इस तरीके के काम किया जाता है, बाद में फिर वो जगह को हटा के कुछ और बना दिया जाता है। वो कोई और लोग होंगे जो इस तरीके से काम करते हैं। आज यहाँ पर आने के बाद मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, आज आप लोगों से बात कर सकते हैं। हमने अभी तक जितने काम जितनी स्पीड में और जितने अच्छे से किए, हमारे पार्टी के लोगों का नाम लेना चाहूँगा, शानू पठान और कुछ नगर से हो, इनको छोड़ के मैं नहीं जानता हूँ कि किसने क्या काम किया नहीं किया, पता नहीं। इनके अलावा मुझे कोई जल्दी से काम करता हुआ दिखा नहीं है, शानू पठान और कुछ नगर सेवक।
बाकी लोग नहीं कर रहे तो उनको तकलीफ हो रही है कि यूनुस शेख बिना नगर सेवक होकर इतनी स्पीड में किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने पार्टी के साथ लॉयल्टी किया हूँ, 22 साल की मेरी पार्टी के साथ में लॉयल्टी है, अवार्ड साहब के साथ मेरी लॉयल्टी है, मेरे इलाके के लोगों मुझे जानते हैं, मेरा बचपना यहाँ से गया है। तो बस ये अल्लाह की मुझे एक मदद है और काम हो रहा है मेरे से।